भाई जो गेम सीख रहा हूँ, आपने मेरी वीडियोस में काफ़ी बार ये जगह देखी है, इन आपको एक मरतबा फिर दिखा देते हैं और बताते हैं कि इस जगह पर मैं बार बार आता क्यों, क्या वजह है। तो भाई पहली वजह कि जब भी मैं डिप्रेस फील करता हूँ या मुझे अपने आप से चिड़चिड़ापन फील होता है या मुझे जब खुद पे दिमाग ख़राब होता है, कह सकते हैं देसी जुबान में पागल हो जाना, जब ऐसी सिचुएशन होती है ना तो मेरा दिल करता है मैं कहीं अकेला बैठूं। और अगर आप एंग्जाइटी फील करते हैं ना तो आपको एक जगह चाहिए जहाँ पे सिर्फ आप हो, दूसरा आपको ग्रीनरी चाहिए, नेचर चाहिए, एंड है ग्रीनरी का इधर ही है, उस दिनों तक आएगी। जब भी मुझे काम फील करना होता है मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं बैठ जाता हूँ एंड वीडियो तो बनाते ही हैं और कुछ ये सनसेट को इंजॉय करता हूँ, कुछ हरियाली देखता हूँ और काफ़ी हद तक मेरा जो माइंड है या कह सकते जब मुझे गुस्सा आता है वो कम हो जाता है। तो अगली वजह बताता हूँ मैं आपको, फिर समझ को चढ़ गया। दूसरी वजह ये कि यार ये जगह थोड़ी सी प्यारी फील होती है मुझे, और जब यहाँ पे अगर हवा चल जाए तो क्या ही कमाल की फीलिंग आती है। तो दूसरी वजह यही है कि ज़रा काम, जब भी काम फील करना होता है यार, इतनी वजूहत अब कौन कौन सी बंदा गिनवाए, बट द मेन थिंग इज़ के जब मुझे काम फील करना होता है या जब भी मुझे गुस्सा आता है या जब भी समझ लें कि मुझे कोई भी जगह अच्छी नहीं लगती या मैं थोड़ा अपने आप में टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, तो मैं इस वक्त थी असर के बाद ही मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर जो है मैं सनसेट को बार बार देखता रहता हूँ। और कई मरतबा तो इफ्तारी की अजान हो जाती है और मैं यहीं पर होता हूँ सिर्फ इस चीज़ को इंजॉय करते हुए। बट एक जगह बिल्कुल काम है और यहाँ से दूसरे घर नज़र आते हैं, यहाँ पे सब्ज़ादार है सभी, तो काफ़ी अच्छा फील होता है। और कल हम चलेंगे दूसरी छत पे, अभी फ़िलहाल इसी छत पे हैं। ये जगह है यार, और यहाँ पे मज़ा आता है बैठने का भी, और हंसी भी साथ होता है, आज वो मेरे साथ नहीं है और मैं अकेला ही हूँ आज, तो अच्छा है। वैसे आप लोगों को भी ऐसा व्लॉगर कम ही देखने को मिलेगा जो एंड टाइम पर आकर पूरा दिन की वीडियो का एक क्लिप भी शूट ना करे और एंड टाइम पर आकर वीडियो बनाकर अपलोड कर दे। अच्छा है यार, मेरी यार गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और करने को कुछ भी नहीं होता, सारा दिन सो के गुजरता है यार। यूनिवर्सिटी कोशिश करते हैं फिर जाएंगे मंडे को ही, अब कल थोड़ी जाना है तो मंडे को ही जाएंगे यूनिवर्सिटी, और आखिरी एक्स्ट्रा करीब करीब जो है ईद भी है, शॉपिंग करा दो यार, ईद भी शॉपिंग ही नहीं करवाई यार किसी ने, इतने तो दे गुजरिए, इफ्तारी भी नहीं करवाई, अच्छी बात तो नहीं है ना यार। फिर आप कहते हो मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, मुल्क ने की तरक्की करनी जो आप ही नहीं तुसी कुछ करना।